अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू बच्चों के लिए दूसरा हिस्सा किताब का सफ़ा नंबर 42 पढ़ेंगे। बच्चों, इस सफ़े पर आखिर की आवाज़ के बारे में बताया गया है। ये देखें, ये है घास। एक बार फिर सुने, घास। एक बार फिर सुने, घास। अब आप मेरे साथ मिलकर बोलें, घास। एक बार फिर कहें, घास। बच्चों, घास की आखिर की आवाज़ है स। एक बार फिर सुने, घास की आखिर की आवाज़ है स। और बच्चों, ये देखें, ये बना है स। एक बार फिर कहें, ये बना है स। ये है घास। घास की आखिर की आवाज़ है स। ये है घास। घास की आखिर की आवाज़ है स। बच्चों, अब आपने स के अंदर पेंसिल फेरनी है। पेंसिल फेरते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप शुरू के नुक्ते से शुरू करेंगे और तीर के साथ साथ लिखेंगे स। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा स। बच्चों, ये देखें, ये है बस। एक बार फिर सुने, बस। एक बार फिर सुने, बस। बच्चों, बस की आखिर की आवाज़ है स। एक बार फिर सुने, ये है बस। और बस की आखिर की आवाज़ है स। और बच्चों, ये देखें, ये बना है स। एक बार फिर कहें, ये बना है स। ये है बस। बस की आखिर की आवाज़ है स। बच्चों, अब आपने बस के अंदर रंग भरना है। रंग भरते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप रंग ऊपर से नीचे की जानिब भरेंगे। आपने दाएं से बाएं रंग नहीं भरना और आपने रंग तस्वीर के अंदर भरना है। रंग भरने के बाद बच्चों, आपने ये इस लाइन पर जो स बने हुए इनके ऊपर पेंसिल फेरनी है और आखिरी लाइन पर बच्चों, आपने स खुद से लिखना है।